हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और भाई समय हो रहा है 11:10। आज काफ़ी लेट हो गए, पर क्या करें यार, रात को 3 बजे सोए हैं और अब नींद खुल रही है। और कल भयंकर तेज थकान हो गई थी और पानी में भीजने से कारण हल्की हल्की तबीयत भी खराब थी, तो भाई हम भी खींच के सो गए हैं। मम्मी जी बैठी हैं और हमें दे दी है भाई गर्मा गर्म चाय। मम्मी जी बना रही हैं भाई सुबह का ब्रेकफास्ट, और हम हाँ थोड़ा सा लेट हैं तो क्या होगा, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे क्या? भाई साहब जाने वाले हैं ऑफिस, तो उनके लिए बन गया है शानदार उपमा। आज हरी मिर्ची खत्म हो गई मम्मी, सूख गई है, लानी पड़ेगी है ना। तो भाई बिना हरी मिर्ची के भी उपमा बहुत अच्छा लगता है, मेरे को ये वाला टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है, जो पतला पतला रहता ना, ये वाला टेक्सचर मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाने में। फटाफट खा लो, चबाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, दांतों को कष्ट नहीं देना चाहिए। भाई साहब हो गए हैं तैयार ऑफिस जाने के लिए, और कल गाड़ी हमारी इतनी गंदी हो गई थी, रात को धो दिए तो अच्छा हो गया है। और भाई साहब हाँ जी, कब मुहूर्त बनेगा सर्विसिंग का समझ में नहीं आ रहा, भागना पड़ता है। हाँ इसको ना सुबह 9 बजे डालना पड़ेगा, तब सर्विसिंग हो पाई। कल हो जाए, कल तो शनिवार है, बंद है, परसों लगे, हाँ तो परसों डलेगी गाड़ी हमारी। गाड़ी के भाई हर पार्ट्स जो है ना, बुलबुल टुल टुल चुल चुल ऐसे आवाज आ रही, चौं चौं पों 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 वहां पे। चलो हम गेट खोल रहे हैं, निकलो ऑफिस। घर के छोटे बड़े काम निपटाकर नहा धोकर हो गए फुर्सत, और घर में भाई निकलते हैं बहुत सारे काम। और हमारे बरसात में सबसे ज्यादा गंदे होते हैं भाई जूते, हर एक दिन छोड़ एक दिन में जूता धोना पड़ता है, बड़ी मेहनत लगती है यार। पहले शैम्पू डालो, ब्रश से रगड़ो, बाल्टी से निचोड़ो, फिर सुखाओ, सटक मारो, बहुत सारी मेहनत लगती जूते धोने। और सबसे ज़्यादा गंदे होते बरसात में जूते, और कल वाले कपड़े बहुत गीले हो गए थे, वो भी धोना पड़ा। तो भाई कपड़े और जूते धोते धोते तो मेरे घंटों कब निकल जाते पता ही नहीं चलता। और हर दिन की यही एक पंचायत है कि ये काम करना ही करना है। भैया कमर पूरी अकड़ चुकी है, कल की थकान पूरी नहीं निकली और आज की थकान और सिर पर चढ़ गई है। लंच टाइम, और भाई साहब आके खाना खा लिए हैं, और अब भाई हमारी बारी आ चुकी है। दाल बिल्कुल गरम गरम है और लाइट वेट खाना बना, हल्का हल्का। ये देखो शानदार बनी है दाल और पूड़ी, पूड़ी और दाल बहुत बढ़िया लगती है, और 5 मिनट नहीं लगता खाना खाने में। फटाफट चलते हैं, थाली फिनिश करते हैं। हो गई है शानदार शाम, समय हो रहा है 5:10, और अभी हम दोनों भाई हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं भाई एक विभाग में जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। लगभग मैं कल आखिरी डेट है, पर आज ही हम उसको जमा करके फुर्सत हो जाएंगे। 5:30 ऑफिस बंद हो जाता है, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, विभाग में डॉक्यूमेंट जमा करते हैं और सिर दर्द थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। डेट बीत गई तो सब काम बिल उड़ जाएगा। उसके बाद फिर अपने को ऑनलाइन एक लेटर निकालना है, उसके बाद कई काम है, फिर हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। बहुत सारे काम लगे हुए हैं, पहले कागज जमा करना है। गाड़ी निकालो भैया। चलो भाई अंदर चलते हैं, भाई साहब आगे आगे चल रहे हैं और हम पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है भैया, लिफ्ट से चलेंगे, ठीक है, सीढ़ी से ना चलवाना। लिफ्ट बंद है? अरे यार यहाँ की हमेशा लिफ्ट बंद ही क्यों रहती है समझ में नहीं आता। नहीं यार, हाँ बंद है, आ जाओ, सीढ़ी से चलना पड़ेगा, सीढ़ी पे अंधेरा अंधेरा आ रहा है। सुनो, हर बार हम लिफ्ट से जाते थे, पर इस बार लिफ्ट ही बंद है और लिफ्ट मैन भी नहीं है, नहीं तो आराम से ऊपर जाते। अब हमको जाना पड़ेगा चौथी मंजिल, पाँव के वैसे ही बम बोल चुके हैं, अब चौथी मंजिल चल के चलना है और ऊपर डॉक्यूमेंट जमा करना है। पूरे 4 मंजिल भाई अपने पाँव पर चलकर आए ऑफिस में, डॉक्यूमेंट जमा हो गया है और समय हो रहा 5 मिनट पहले, मेरी घड़ी आगे है, बिल्कुल 5:25 पर डॉक्यूमेंट जमा हो गया। बल्कि बढ़िया हल्का सिर हो गया है, टेंशन फ्री हो गए हैं, और अच्छी बधाई की बात है कि लिफ्ट चालू हो गई, कुछ देर के लिए हैंग हो गई थी, अब अपन आराम से लिफ्ट से चलेंगे तो उतरने में राहत रहेगी, चढ़ने में तो पाँव की नसें ऊपर तक चढ़ गई भाई। 4 मंजिल बहुत बड़ी वाली मंजिलें हैं, अरे अब घर जाती 4 मंजिल नहीं, अब वो बिजनेस अपार्टमेंट वाली 4 मंजिल कष्ट हो जाता है चढ़ने में। लो भैया लिफ्ट आ गई है, और ये हमारे लिफ्ट मैन भैया हैं, इनके बिना लिफ्ट में चलना बहुत मुश्किल है। तो चलो लिफ्ट बंद कर दो और हमें नीचे छोड़ दो, बड़ा राहत है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है ना भाई साहब, मजा आ रहा है, मजा आ गया।
पर आते समय चालू रहती तो और अच्छा रहता। हाँ ये सही बात है भैया, बोले थे कि हैंग हो गई थी इसलिए बंद करना पड़ा, तुरंत चालू कर दी भैया ने। यहाँ से फुर्सत हो गए हैं, अब हमको एक बहुत जरूरी ऑनलाइन का काम है और टाइपिंग वर्क का काम है, तो यहाँ से चलते हैं अपन टाइपिंग की दुकान पर, वो भी काम फुर्सत करें। उसके बाद लगे जो है ना एक के बाद काम लगे हुए हैं, थोड़ा अंधेरा तक हो जाएगा तब तक काम ही चलता रहेगा। तो भैया यहाँ से गाड़ी निकालो और सनन सनन चलते धूम मचाने की तरह। हम वहाँ ऑफिस से निकले भाई साहब, बोलते एक शॉर्टकट मारते अपन बिल्कुल वहाँ टाइपिंग की दुकान के पास से निकल जाएंगे। भैया हम 2.5 किलोमीटर आगे जाके निकले हैं, इनकी देखो बदौलत, ये देखो ये शॉर्टकट वाले भाई। मैं शॉर्टकट गलत नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ से एक शॉर्टकट था पर कॉलोनी वालों ने रास्ता बंद कर दिया, अब उसके चक्कर में अंदर यहाँ से निकले लगभग 2.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ गए भाई। और कॉलोनी पता नहीं चला कि हम कहाँ से निकले हैं, यहाँ से शॉर्टकट सोचते इतना लंबा पड़ गया है भाई साहब का शॉर्टकट बहुत लंबा पड़ता है भाई। अभी तो हम उत्ती दूर जाना पड़ेगा टाइपिंग की दुकान में, ये जो पूरी रोड क्रॉस करती है, बाप रे भैया अगली का शॉर्टकट मत मारना। भाई हम पहुंच गए कंप्यूटर की दुकान पर, हमारा काम चल रहा है, पीछे बैठे हुए अमित भैया अपना काम चालू है और थोड़ी देर का समय लगेगा क्योंकि एक ऑनलाइन का है, एक टाइपिंग का वर्क है, तो फटाफट ये काम फुर्सत कर लेंगे ना तो ये भी काम हल्का हो जाएगा। हो गया भाई हमारा टाइपिंग वाला काम कंप्लीट हो गया है, यहाँ से चल रहे हैं सीधे सिविल सेंटर दवा मार्केट में। अब हमको लेना है शुगर वाली जो जाँच करने की पट्टी आती ना, वो ख़त्म हो गई है तो मम्मी जी ने बोला याद से लेके आना, तो भाई सबसे पहले वो रख लें क्योंकि शुगर चेक करना पड़ता है ना, एक दो दिन चार दिन पाँच दिन में तो पट्टी तो लगती है। भैया डिब्बी रखे हो ना उसकी, हाँ है क्योंकि नाम नहीं, वो डिब्बी दिखा के लेना पड़ता है क्योंकि वो कंपनी बंद होने वाली है ना, इसलिए चलो चलते सीधे सिविल सेंटर। पहुंच गए भाई दवा मार्केट और गाड़ी खड़ा करने की तो जगह ही नहीं है यहाँ पे, आगे खड़ा करो भैया मालूम, हाँ यहीं घुसड़ दो बीच में। भाई शुगर चेक करने वाली जो स्टिक आती है ना, एक डिब्बी मिलती ही नहीं है, हमको दो डिब्बी लेना पड़ा, उसका पैकेट ही आ रहा है और जो हम कंपनी यूज़ करते थे उसका ऑप्शन आ दे दिया है, वो वाली कंपनी का तो मिला नहीं, पर भैया बोले कि यारी फिट हो जाएगी, रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई एक डिब्बी लेने आए थे, दो डिब्बी चिपक गई साथ में और फिर भी बढ़ गया अच्छा खासा लंबा, 100 का पूरा बॉक्स लेना पड़ता। तो भाई यहाँ तक पूछे तो कहाँ चले जी, छोटा सा काम है, चलो काम सेंटर में ही है। हाँ हाँ सिविल सेंटर वाला वो तो दिमागी से निकल गया था भाई, देख लो उसको भी निपटा दे उसके बाद थोड़ा सा फुर्सत हो जाएंगे। सिविल सेंटर का भी काम हमारा निपट गया, टेंशन फ्री हो गए हैं, समय हो रहा है 7:05। हम सोच रहे हैं एक दो काम अभी हमें और है मार्केट के, सुनो भाई एक काम करते हैं अपन, अभी मार्केट चलते हैं वहाँ से दूध ले लेते हैं और ये सब सामान अपन घर पर रख देते कागज पत्तर, उसके बाद अपन चलते सब्जी मंडी आराम से सब्जी लेके आएंगे। सही है। पर उसे शाम हो गई है, ज्यादा रिस्क ही है जाने पर, कोई दिक्कत नहीं हो आते हैं पर ये डॉक्यूमेंट पहले रख दें तो खराब हो जाएंगे ना ये वाले। पहुंच गए भाई हम मार्केट और मम्मी जी ने दो तीन सामान बोला है कि लेके आना, तो वो सामान ले लेते हैं और दूध ले लेते हैं और उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं काम। हाँ भैया क्या देख रहे हैं आप? चावल देख रहे हैं भाई साहब, आते हैं तो चावल की वैरायटी जरूर चेक करते हैं ना। चावल का रेट फिर बढ़ गया भाई, बढ़ गए फिर बढ़ गए भैया, ये बताओ ना कौन सी चीज के रेट कम हुए हैं, हर चीज के रेट जब मैं ले लेता हूँ तो कम हो जाते हैं, हाँ बढ़ जाते हैं। चलो अंदर आओ अपन सामान देख लेते हैं अंदर, चलो आप बिस्किट देख ले, बिस्किट खत्म हो गए हैं, बिस्किट ले लेते हैं, नमकीन भी ले लेते हैं यार, सजा तो है पूरी वैरायटी, देखो अपने ब्रांड वाला है क्या बिस्किट ले लो यार। हाँ, मिल गया। देखो भाई भाई साहब ने सामान तो ले लिया, अब इन्हें ये क्या होता है चॉकलेट वाली है आइसक्रीम, तो मैंने बोला पहले टेस्ट कर लो अच्छा होगा तो मैं भी खाऊंगा ठीक है ना। आइसक्रीम बहुत शानदार है भाई, बातों बातों में आधी खत्म भी हो गई और हम बिल कराने के में जूझते रहे, घर के लिए भी रख लिए भाई, मम्मी पापा भी खा लेंगे बढ़िया ठंडी ठंडी आइसक्रीम और हम मार्केट के अंदर आइसक्रीम का मजा लेते हैं, फिर पूरा सामान बटोरते हैं और फिर चार चार बिल हो गए। देखो क्या एक के बाद एक सामान लेते हैं, बिल निकालते जा रहे हैं ना, फटाफट आइसक्रीम फिनिश करते हैं, बहुत शानदार आइसक्रीम है और उसके बाद सीधे चलते हैं घर, मजा आ गया। पहुँच गए घर और समय हो रहा 7:35। तो भाई अब निवाड़ागंज सब्जी मंडी जाने का ना समय नहीं रह गया, वहाँ भी जाएंगे जाम में फंसेगा और रात को क्या है मार्केट उठ जाता अच्छी है, सब्जी नहीं मिलेगी। अब जाते आते देखो सीधी बात है कि आधा घंटा लगेगा, 8 बज जाए और 8 बजे पूरा मार्केट लगभग बटोर जाता है, तो अपन काम चलते करते हैं, कार्यक्रम पोस्टपोन करते हैं, सुबह चलते हैं ताजी हवा के साथ, ताजी सुबह के साथ ताजी ताजी सब्जी लेने के लिए। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है और जैसे हम घर में प्रवेश किया तभी हवा चालू हुई है, झंडे बिल्कुल ऐसे से घर चल रहे हैं, तो मुंह हाथ धोते हैं, 10 मिनट आंगन में बैठेंगे नहीं तो छत पे जरूर टहल लेंगे थोड़ी देर। मुंह हाथ धोकर हो गए फुर्सत और भाई शाम हो गई है और से भी हम लेट हैं भाई, शाम को पीते हैं ना गर्मा गर्म चाय, तो हमने बिस्किट भी ले आए, देखो शानदार बिस्किट,
बढ़िया खोल दिया प्लेट में, इसको रखते हैं पहले साइड में, और ये गंजी में देखो सनन सनन चाय बन रही है। कैसे बर्तन गर्म होने की आवाज आ रही है ना, गूंजे पोंपी, ऐसी आवाज आती है, कभी ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी आवाज आती है। तो भाई चाय हमारी मस्त खोल रही है, पूरे कमरे में चाय की खुशबू फैल चुकी है, बढ़िया शानदार इलायची, शानदार अदरक, हैवी दूध वाली कड़क चाय, स्ट्रांग, और यही तो चाहिए शाम को, एक कप चाय मिल जाए पर दिमाग फ्रेश हो जाए। गर्मा गर्म चाय बिस्किट के साथ सबको देते हैं। डिनर टाइम, थाली मेरी तैयार है, हल्का हल्का लाइट वेट खाना, ये बनी है दाल और ये है चावल, ये हमारा शानदार डिनर। दिमाग हो रहा था भारी भारी, थकान थकान सी लग रही थी, तो खाना खाने के बाद एक मूवी अच्छी दिखी टीवी पर, उसको हम लोगों ने सब ने बैठ कर देखा, बहुत शानदार मूवी थी, और हमारे घर में भाई सबसे ज्यादा चलती है साउथ इंडियन मूवी। मस्त दिमाग फ्रेश हो गया है, थकान भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई है, इसलिए बोलते भाई मूवी भी देखना जरूरी होता है, पर साउथ इंडियन भाई मस्त लगी, पूरा दिमाग फ्रेश हो गया, घर वाले सब खुश हो गए, कितनी अच्छी मूवी देखने मिली है, तो मजा आ गया है। अब हो गई है भाई बहुत रात, अब आ रही है बहुत तेज नींद, तो ब्लॉग की करते यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते कल एक नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।